हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं सत्यम शर्मा एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप नोरसेट की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी ने मेरी पिछली 5 वीडियोस देखी होंगी और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि है सब्जेक्ट साइकेट्री से। मैंने ये टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया दोस्तों क्योंकि अभी तक का जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा था कुछ साल पहले से वो ऐसे था कि मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि OBG, पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी, इन्हीं सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते थे। लेकिन दोस्तों, आजकल का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। एग्जामिनर जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जैसे कि रिसर्च, मैनेजमेंट, ENT, न्यूट्रिशन, साइकेट्री, नर्वस सिस्टम, इन सब सब्जेक्ट से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसीलिए आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है। दोस्तों, साइकेट्री की जो डिजीज़ कंडीशंस हैं उनको समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का जानना ज़रूरी है। वो टर्म्स फ्रेंड्स डायरेक्ट सिंगल लाइनर क्वेश्चन बन के भी आ जाते हैं, या तो वो बच्चे ने नहीं पढ़े होते, और अगर पढ़े भी होते हैं तो वो ऑप्शंस में कन्फ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस आज की वीडियो के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे कंटेंट से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आपका 100% सही होगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ नर्सिंग को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्सिंग क्या है। नर्सिंग की अगर डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ इल पेशेंट। अगर मैं हिंदी में समझाऊं, ये एक साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कि अच्छी हेल्थ कैसे पा सकता है इंसान। सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, वो चीज बताती है नर्सिंग। और तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स, जो व्यक्ति बीमार हो चुका है वो कैसे ठीक होगा, वो नॉर्मल सेट में कैसे आएगा। ये थी फ्रेंड्स बात हमने की नर्सिंग की। अब मैं अगर बात करूं मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग है दोस्तों, जैसे कि हमने नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग बस हमें मेंटल वर्ड वहां पे यूज करना है। जैसे कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन फ्रॉम मेंटल इलनेस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटल इल पेशेंट। ये बात हो गई, इसको आप समझ ही गए होंगे कि बस वहां पे हम नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम मेंटल इल पेशेंट की बात कर रहे हैं। यदि मैं एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं दोस्तों, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है इस पे फ्रेंड्स आप स्टार लगा लेना, आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। मेंटल हेल्थ नर्सिंग को और हम क्या कहते हैं, इसको हम दोस्तों बोलते हैं मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन को दूसरा नाम क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अगर मैं और इम्पोर्टेंट दो टर्म की बात करूं फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, काफी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, अभी भी आने की उम्मीद है। फर्स्ट टाइम सेक्रेटरी वर्ड यूज बाय, सबसे पहले सेक्रेटरी वर्ड किसने इस्तेमाल किया था, तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर जाएगा क्रिस्टन रील्स, इंपोर्टेंट करके आप नोट करना। दूसरी अगर मैं बात करूं फर्स्ट साइकेट्री नर्स कौन थी, ये ऐसे भी आ सकता है फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्री नर्स कौन थी, दोनों का आंसर एक ही जाएगा दोस्तों, लिंडा रिचर्ड्स। आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो इसको आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, काफी एग्जाम्स में देखा हुआ ये क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्त टर्मिनोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको मेरे पीछे बोर्ड पे लिखी हुई दिख रही होंगी, इन चीज़ों में क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक एक वर्ड, एक एक टर्म के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, और आगे भी आने के पूरी चांसेज हैं, क्योंकि इतने सारे टर्म्स में से एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर उठाएगा और वो क्वेश्चन हमारे नोट सेट में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ये सब टर्म्स हैं क्या, एबनॉर्मल बिहेवियर, अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर दोस्तों ये जो हमारा माइंड है वो क्या थिंकिंग है, उसके क्या थॉट्स हैं, और जो उन थॉट्स और उन थिंकिंग की वजह से जो पर्सन बिहेव कर रहा है, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ये सब किसके अंदर आएगा दोस्तों, बिहेवियर के अंदर। अगर इन चीज़ों में, थॉट में, थिंकिंग में और एक्शंस जो वो परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटी, इन सब चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर मैं बात करूं कि एबनॉर्मल बिहेवियर को किस किस तरीके से डिफरेंशिएट करा हुआ है, किस किस तरह से उसके सब टाइप बनाए हुए हैं, तो फ्रेंड्स पहला आता है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, यानी कि जो हमारी मेमोरी है, हमारी याद करने की क्षमता है, उसमें अगर दिक्कत आ जाए तो क्या क्या हो सकता है, एमनेशिया, हाइपर एमनेशिया, पैरामनेशिया, इन चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल्स में अभी। और अगर दूसरी बात करूं मैं डिसऑर्डर ऑफ मूड या डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट, मूड क्या होता है दोस्तों,
हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं कि यार मेरा आज मूड बहुत ख़राब है। तो फ्रेंड्स अगर पढ़ाई के रूप में थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता। मूड जो है दोस्तों, जो हमारा माइंड सोच रहा है, जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स हैं, उसको हम कह रहे हैं मूड। और जो हम, जैसे मान लो कि मेरा इंटरनल माइंड दुखी है तो मैं, लेकिन मैं हंस रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं, मेरा मूड ख़राब नहीं है, मेरा मूड ख़राब है। और अगर मैं उसको दिखा रहा हूँ लोगों को, लोग मुझे देख के बता पा रहे हैं कि हाँ भाई ये लड़का दुखी है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्या, अफेक्ट। तो दोस्तों मूड और अफेक्ट को आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या आता है, यूफोरिया, एक्सटेसी, एक्जल्टेशन, एनेडोनिया, एम्बिवेलेंस, एपैथी, और भी दो चार टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगली मैं अगर बात करूँ डिसऑर्डर ऑफ थॉट, थॉट क्या है दोस्तों, हमारे विचार, हमारे विचारों में अगर कुछ गड़बड़ आ जाए तो उसको कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ थॉट। उसके अंदर क्या आता है, परसिवरेशन, सर्कमस्टेंशियलिटी, इनकोहरेंस, डिल्यूजन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, और भी दो चार टर्म है जिनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जितने भी टर्म हैं इन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे, और जब आपका और इंटरेस्ट बनेगा और ये चीज़ें आप भूलोगे भी नहीं कभी। अगली मैं बात करूँ डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, इसको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारी मोटर एक्टिविटी है उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए तब उसको हम किसके अंदर रखेंगे, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, जिसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, कैटेलेप्सी, वर्बिजरेशन, मैनरिज्म, और भी दो चार चीज़ें हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अगला है दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि जो हम परसीव कर रहे हैं उस चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं, दो फेमस टर्म है इसमें हजारों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, हेलुसिनेशन और इल्यूजन, इसको अभी देखते हैं हम, कभी नहीं भूलेंगे आप, मैं ऐसे समझाऊंगा। अगला है दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम कितने अवेयरनेस हैं, टाइम पर्सन प्लेस को लेके हम कितने अवेयर हैं उसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। इसके अंदर आता है फ्रॉम स्टूपर, डेलीरियम, और भी एक दो टर्म है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था एक ओवरव्यू एबनॉर्मल बिहेवियर का, जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। बात करते हैं फ्रेंड्स अपने पहले डिसऑर्डर की, जो कि है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। मेमोरी की अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, इट इज़ द एबिलिटी टू रजिस्टर, रिटेन और रिकॉल द स्टिमुलाई। यानी कि अगर मैं हिंदी में सिंपल भाषा में याद बोलूं कि जो मेमोरी है वो क्या है, हमारी किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, और जब जरूरत आने पे वो रिकॉल हो जाए, वो हमें, हम दोबारा उस चीज़ को बता सकें कि, यानी कि कोई भी बात है, कोई भी घटना है, कोई भी पढ़ाई की चीज़ है, जो हम उसको रिटेन रख पा रहे हैं वो क्या है हमारी, वो मेमोरी है दोस्तों। अगर उसमें गड़बड़ आ जाए तो क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, सबसे पहला टर्म आता है दोस्तों अमनेशिया। अमनेशिया वर्ड को अगर मैं दोस्तों तोड़ूं, ए और मनेशिया, मनेशिया का मतलब होता है मेमोरी, ए का मतलब होता है एब्सेंस। इसको मैं अगर सिंपल बोलूं, लॉस ऑफ मेमोरी होता है अमनेशिया। इसके दोस्तों फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि एंटेरोग्रेड अमनेशिया, रेट्रोग्रेड अमनेशिया और सर्कमस्क्राइब्ड अमनेशिया। एंटेरोग्रेड अमनेशिया की बात करें, जैसे कि हमें पता है अमनेशिया क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी, वो लॉस ऑफ मेमोरी है कब की है, एंटेरोग्रेड। एंटेरोग्रेड का मतलब होता है दोस्तों, मतलब कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसको मैं लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे कि जो गजनी मूवी में जो आमिर खान को हो जाता है, लेकिन उसमें दोस्तों उसको पिछला भी पुराना भी याद नहीं है, उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एंटेरोग्रेड अमनेशिया में जो अभी की कुछ बात है, थोड़े समय पहले की बात है, वो भूल जाएगा, लेकिन जो पुरानी बातें हैं वो उसे सब याद रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसी की तरह इसी का अपोजिट है रेट्रोग्रेड अमनेशिया। रेट्रोग्रेड, रेट्रो वर्ड से आपको पता चल रहा होगा पुराने टाइम की बात हो रही है, तो उसकी जो ओल्ड मेमोरी है, ओल्ड मेमोरी क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, रेट्रोग्रेड अमनेशिया, रेट्रोग्रेड लॉस ऑफ मेमोरी, पुरानी याददाश्त जो है वो खो चुका है, जो प्रेजेंट की, फिलहाल की, थोड़ी देर पहले की बातें हैं वो उसे सब याद है। तीसरा टर्म है दोस्तों सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया। सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया का अगर मैं हिंदी में मतलब समझाऊं आपको, इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक इमोशनल इवेंट है जो वो भूल चुका है, उसे अभी का भी सब याद है, उसे पुराना सब याद है, लेकिन कोई ऐसी एक घटना है बीच में जो उसके इमोशन से ऐसे जुड़ी हुई है, उस चीज़ को वो भूल चुका है, वो उसे कुछ भी याद नहीं है, उसको हम कहेंगे क्या, सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया। आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो दूसरा टर्म है वो है हाइपरमनेशिया। हाइपर का मतलब आप सभी जानते हैं ज़्यादा, मनेशिया को मैं अभी बताया क्या होता है, मेमोरी, ज़्यादा मेमोरी याद रखना। अभी आप बोलोगे कि ये तो अच्छी बात है कि ज़्यादा मेमोरी याद रख पा रहा है इंसान, लेकिन दोस्तों वो कुछ स्पेसिफिक इवेंट को ही ज़्यादा रख पा रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये वाली बुक याद कर ले वो सारी याद कर लेगा, उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई है या फिर कोई ऐसा इवेंट है जो उसके इमोशन से जुड़ा हुआ है जिसको वो बहुत ज़्यादा याद रख पा रहा है। यहाँ पे सर्कमस्क्राइब से इसको हम रिलेट कर सकते हैं, सर्कमस्क्राइब में क्या था, वो भूल रहा था,
कुछ स्पेसिफिक इवेंट को वो भूल रहा था। हाइपर एमनेशिया में क्या है, वो कुछ स्पेसिफिक इवेंट को बहुत अच्छे से डीप नॉलेज में याद रखता है। मान लो उसके साथ कोई घटना हुई है 8 साल पहले 10 साल पहले, लेकिन वो उस घटना को ऐसे खोल के रख देगा आपके सामने कि उस टाइम तूने मुझे ये कहा था, इतने बजे तूने मेरे को ये कहा था, फिर वो आ गया था, ऐसे करके उसे पूरी डिटेल में याद होगा। उस कंडीशन को हम कहेंगे दोस्तों हाइपरमनेशिया। हाइपरमनेशिया हमें किन कंडीशन में देखने को मिलता है? सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है जिसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसमें एक टाइप होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, जिसमें जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा शक करता है कि कोई मुझे मारने वाला है, कोई मेरी जमीन हड़पने वाला है, इस तरीके के उसको ख्याल आते हैं, वो हर किसी पे शक करता है। तो उसके अंदर हमें देखने को क्या मिलता है दोस्तों, हाइपरमनेशिया। अगर मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं पैरामनेशिया, पैरामनेशिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि मान लो मेरी कोई मेमोरी है उसमें मैं बीच का कुछ भूल चुका हूं और मैं कुछ फॉल्स मेमोरी याद रख पा रहा हूं। इसका सिंपल वर्ड ये है पैरामनेशिया का कि मैंने एक्स्ट्रा मेमोरी याद रखी हुई है जो कभी हुई नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं लेकिन मैंने वो याद रखा हुआ है। उसी में एक एग्जाम्पल के टर्म में आता है दोस्तों कॉन्फेबुलेशन, इसको आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। कॉन्फेबुलेशन क्या होता है दोस्तों, जो कॉन्फेबुलेशन है इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, यानी कि मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ, काफी पहले एक इंसिडेंट हुआ, मैं उसको किसी को बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं उसका बीच का पोर्शन भूल गया। एक मेरे साथ कोई कहानी हुई कि भाई अभी ऐसा हुआ, मैं बीच की स्टोरी भूल गया और उस स्टोरी की जगह मैंने खुद से कोई स्टोरी बना के ऐड कर दी और वो पूरी कहानी कंप्लीट करके आपको सुना दी। इस चीज़ को कहते हैं दोस्तों कॉन्फेबुलेशन। ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा हुआ है, ये हमें याद होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों हमारे पहले डिसऑर्डर की बात, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। बात करते हैं फ्रेंड्स अपने दूसरे डिसऑर्डर की, जो कि है डिसऑर्डर ऑफ मूड या फिर डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट। मूड और अफेक्ट को दोस्तों समझिए, जो कि मूड है, मूड एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, और जो कि अफेक्ट है ये एक ऑब्जेक्टिव फीलिंग है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो मूड है वो मेरे दिमाग में चल रहा है बस, वो किसी को नहीं पता, लेकिन जो अफेक्ट है वो दूसरों को पता चल रहा है कि भाई ये लड़का दुखी है, ये लड़का खुश है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फीलिंग। मैं अंदर से दुखी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रह सकता हूँ, तो जो मूड है ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, और जो अफेक्ट है मैं खुश हूँ लेकिन थोड़ी देर तक अपनी खुशी दिखाऊंगा, सबको खुश रहूंगा, उसके बाद नॉर्मल बिहेव करने लगूंगा, जो कि एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, जो कि है क्या अफेक्ट। इन दोनों को आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं इसमें गड़बड़ आ जाए तो क्या क्या टर्म हमारे सामने आते हैं। पहला है दोस्तों, इसको हमने सब डिवाइड किया हुआ है प्लेजरेबल, अनप्लेजरेबल और अदर्स। प्लेजरेबल यानी कि खुशी वाला माहौल, यानी कि जिससे हमें प्लेजर मिले। अनप्लेजरेबल यानी दुखी। अदर्स को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। प्लेजरेबल में अगर देखा जाए दोस्तों, यूफोरिया, इलेशन, एक्जल्टेशन और एक्सेसी। ये फ्रेंड्स मान लीजिए अगर यूफोरिया है तो उसी का सीवियर फॉर्म है इलेशन, और इलेशन का सीवियर फॉर्म है ये, और इसका सीवियर फॉर्म है ये। यूफोरिया का अगर मैं बात करूं मॉडरेट हैप्पीनेस यानी कि नॉर्मली अगर व्यक्ति खुश हो रहा है तो वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो यूफोरिया वाला पेशेंट है दोस्तों वो थोड़े टाइम में ठीक नहीं होगा, वो मतलब खुशी रहेगा, ज़्यादा हंसेगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें करेगा, सबके साथ खुशी से बिहेव करेगा, थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे दो दो दिन, हफ्ते हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा, खुश रहेगा, एक्स्ट्रा खुश रहेगा, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ये होगी बात फ्रेंड्स यूफोरिया की, मॉडरेट हैप्पीनेस, मॉडरेट जॉयनेस। अगर मैं बात करूं इलेशन की, इसी का सीवियर फॉर्म है। इलेशन में क्या होता है दोस्तों, अब जो हमारी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होने लगती है। अभी तक तो जो इलेशन में, यूफोरिया में था वो बस खुश दिख रहा था, खुशी से सबसे बातें कर रहा था, लेकिन अब साइकोमोटर एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो गई है इलेशन में। अब वो खुश है, इधर उधर भाग रहा है, कभी किसी को फोन मिला रहा है, कभी किसी से बात कर रहा है, ये सब आ जाएगा किसमें, इलेशन में। इलेशन के बात करूं मैं एक्जल्टेशन में क्या होगा दोस्तों, अब उसकी सीवियर फॉर्म है। आप इसको थोड़ा इमेजिन करते जाओ कि एक लड़का मान लो खुश है, उसे उसके बाद फिर वो फिजिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा है खुशी खुशी में, उसके बाद वो और ज़्यादा खुश हो गया है, वो सबको फ़ोन मिला रहा है, सामान इधर से उधर रख रहा है, वो चैन से बैठ ही नहीं पा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्जल्टेशन, जो कि इसमें दोस्तों अब ग्रैंडियोसिटी भी आ जाती है, जो कि एक मेनिया बीमारी में देखने वाला एक लक्षण है एक्जल्टेशन, यानी कि अब वो अपने आप को राजा समझने लगा है, वो अपने आप को इतना खुश मान रहा है कि जो भी सब कुछ अच्छा हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। अब मैं अगर बात करूं एक्सेसी की, एक्सेसी दोस्तों इनमें से सबसे सीवियर फॉर्म है।
इसमें वो इतना खुश हो जाएगा, इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने लगेगा कि उसे कुछ पता नहीं रहेगा, कुछ होश नहीं रहेगा, बस वो हंसे जा रहा है, बातें कर रहा है किसी से, सामान इधर से उधर रख रहा है, और वो उसकी एनर्जी इतनी लॉस्ट हो चुकी है कि वो इस कंडीशन में आके बेहोश होकर गिर भी सकता है। खुशी के मारे इतना पागल हो जाएगा कि उसे पता नहीं रहेगा वो क्या कर रहा है, खाने पीने का कुछ होश नहीं रहेगा उसको। ये दोनों फ्रेंड्स हमें मेनिया में देखने को मिलते हैं, मेनिया वाले पेशेंट्स में। ये बात होगी दोस्तों प्लेजरेबल एक्टिविटीज की, प्लेजरेबल डिसऑर्डर्स की। अब मैं बात करूं अनप्लेजरेबल। अनप्लेजरेबल में दोस्तों क्या आता है, ग्रीफ, एक्चुअली यहाँ पे आ रहे हैं ग्रीफ और डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ी बीमारी है मूड की, जिसको हम आगे ब्रीफ अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन में दोस्तों नॉर्मली अगर मैं आप बताऊँ, जो पेशेंट है वो दुखी रहता है, किसी से बात नहीं करता है, अपना हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाता, अपना खाना पीना मेंटेन नहीं रख पाता, सुसाइडल उसको थॉट्स आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं डिप्रेशन में। बात करूँ अगर दोस्तों मैं ग्रीफ की, इस पर भी एक एक चीज़ पर आप स्टार लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन काफ़ी जगह देखा गया है कि ग्रीफ क्या है। अगर मैं हिंदी में इसको समझाऊं, ग्रीफ का मतलब होता है दोस्तों दुख। दुख किस वजह से, या तो किसी का कोई क्लोज्ड वन लॉस हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, कोई उसका प्रिय था, उसके कोई अच्छी मोटी कमाई थी वो किसी ने चुरा ली, उसकी वजह से भी वो दुखी हो सकता है, उसका घर बर्बाद हो गया उस वजह से भी वो दुख हो सकता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं ग्रीफ। इसके अंदर दोस्तों दो टर्म और निकल के आती हैं जिन पे आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। वो क्या दो टर्म है फ्रेंड्स, एक है हमारा मॉर्निंग, दूसरा है दोस्तों बिरीवमेंट। मॉर्निंग और बिरीवमेंट क्या है, मान लीजिए कि आपने मॉर्निंग वर्ड आपने सुना भी होगा, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं कि शोक सभा। शोक सभा क्यों होती है कि हम एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, अपने दुख को हम कैसे जाहिर कर रहे हैं दूसरों के सामने, वो होता है दोस्तों मॉर्निंग। जिस तरीके से कोई अपने दुख को व्यक्त कर रहा है, किसी को दर्शा रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं मॉर्निंग। बिरीवमेंट क्या है कि जो वो पीरियड टाइम पीरियड है, यानी कि आज किसी का कोई कुछ लॉस हुआ, कुछ पैसे चुर गए, और वो कुछ टाइम तक उसको दुखी हमें दिख रहा है कि वो दुखी है, कितने टाइम तक वो दुखी रहा, कब वो नॉर्मल हुआ, इस बीच के पीरियड के टाइम इंटरवल ड्यूरेशन को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों बिरीवमेंट। ये दोनों टर्म आपको भूलने नहीं है। मॉर्निंग क्या है कि उस दुख को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, वो है मॉर्निंग। कितने टाइम तक वो ग्रीफ प्रेजेंट है, वो क्या, उसको हम क्या कह रहे हैं बिरीवमेंट। इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों दोस्तों। जो ग्रीफ है मैक्सिमम 2 हफ्ते तक रिवील हो जाता है। अगर वो 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो पा रहा है, वो किस में चेंज हो सकता है, वो डिप्रेशन में चेंज हो सकता है। ये हमने बात करी अनप्लेजरेबल मूड डिसऑर्डर की। अगर मैं बात करूं अदर्स की, ये इसको मैं एक एक वर्ड को अलग से समझाता हूं आपको। बात करें फ्रेंड्स की अदर्स में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहला टर्म है दोस्तों एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होता है, इमेजिन डेंजर, यानी कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एंग्जाइटी और जो ये फियर है, दोनों आप समझ जाएंगे। मान लीजिए मैं एक जंगल में हूँ और कोई मेरे को ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर तो नहीं आ जाएगा, जैसे कि कोई शेर ना आ जाए, तो उस वजह से मुझे जो सोच के मैं डर रहा हूँ, वो क्या है दोस्तों एंग्जाइटी। और अगर मान लो अचानक से तभी मेरे सामने शेर आ जाए, जो ये रियल टाइम में मैं जो डर महसूस कर रहा हूँ, वो क्या है फियर। इन दोनों को आप याद रखना। एंग्जाइटी क्या है, इमेजिन डेंजर, इसी को हम क्या कहते हैं इम्पेंडिंग डूम। इम्पेंडिंग डूम, इमेजिन डेंजर को हम क्या बोल रहे हैं इम्पेंडिंग डूम। फियर क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन में जो हमें डर पैदा हो रहा है, वो क्या है फियर। अब अगर मैं बात करूं तीसरा टर्म पैनिक। पैनिक क्या है, पैनिक को हम दोस्तों पैनिक एंग्जाइटी होता है एक्चुअली। पैनिक खाली अगर पैनिक बोलूं वो कुछ नहीं होता, पैनिक एंग्जाइटी होता है। पैनिक एंग्जाइटी क्या होता है दोस्तों, कि अचानक से सडन बहुत तेज वाली जो एंग्जाइटी पैदा हो जाए, सडन हाई इंटेंसिटी के साथ जो एंग्जाइटी पैदा हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं पैनिक। अगला टर्म है दोस्तों एपैथी। एपैथी क्या होता है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं ब्लंट फेस। ब्लंट फेस अपैथी। अपैथी में मतलब कि अपैथी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि ये सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है या डिप्रेशन में, तो हमें हमेशा पहला आंसर क्या लगाना है दोस्तों सिजोफ्रेनिया। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी सिजोफ्रेनिया, सेकंड प्रायोरिटी पे हम आंसर रखेंगे डिप्रेशन को। तो दोस्तों जो एपैथी है इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा फेस है पेशेंट का, वो बिल्कुल लैक ऑफ इमोशंस हो जाता है, कोई हाव भाव नहीं दिखेंगे उसके फेस पे। तुम उसे चाहे कितना ही मार लो, कितने उसे जोक सुना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसका फेस बिल्कुल ब्लंट रहेगा, कुछ इमोशंस कुछ एक्सप्रेशंस नहीं रहेंगे उसके फेस पे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं एपैथी। अगला टर्म है दोस्तों एनेडोनिया। बहुत कॉमन क्वेश्चंस में आते हैं ये सारे टर्म, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आने के भी चांसेस हैं। एनेडोनिया क्या होता है दोस्तों, यानी कि एक मान लीजिए मुझे पहले क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता था, अब मेरे को क्रिकेट खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस खाली बैठा रहता हूँ, मुझे कोई मजा नहीं है।
प्लेजरेबल एक्टिविटी परफॉर्म करने में इंसान को मजा इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन अब वो इंटरेस्ट उसको उस चीज में नहीं आ रहा। उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं हम, एनेडोनिया। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। जो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप उस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं, चाहे हिंदी में नोट करें चाहे इंग्लिश में, बस आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा हमें बस पता होना चाहिए कि भाई इसका हिंदी में क्या मतलब है, इसका मैं क्या आंसर करूँ। ये सब टर्म्स क्लियर हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं कि इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट हमें नाम से ही बता रहा है। जैसे कि एक मान लीजिए कंडीशन है कि हमें जो सिचुएशन है वो डिमांड कर रही है कुछ और हम परफॉर्म कर रहे हैं कुछ और। मान लीजिए कहीं पे हंसने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है और एक आदमी अचानक से रोने लगे, हंसने वाली स्थिति में कोई आदमी रो रहा है, वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। सिचुएशन कुछ डिमांड कर रही है, आदमी परफॉर्म कुछ और कर रहा है, वही क्या है दोस्तों, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में मैक्सिमम देखने को मिलता है। लास्ट टर्म जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिजोफ्रेनिया के, जो 4 A's होते हैं उनमें से एक होता है ये एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या है दोस्तों, किसी एक ही सिचुएशन के लिए दो विचार आना। मान लीजिए कोई मेरे से अगर ये पेन मांगे, ये मार्कर मांगे, तो एक मेरे अंदर मन में आ रहा है कि मैं इसको दे दूं, दूसरा मेरे अंदर इसी पेन के थ्रू आ रहा है कि नहीं दूं। तो एक ही सिचुएशन के लिए दो अपोजिट एक्शन जो हमारे दिमाग में जो थिंकिंग आ रही है उसे हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, एम्बिवेलेंस। ये हमें देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया में, जो कि इसका सिजोफ्रेनिया का मेन सिम्टम है। अब हमने बात कर ली है अदर्स वाले कंपोनेंट की, अब करते हैं बात हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की, जो कि बिहेवियर का थर्ड डिसऑर्डर है। बात करें अगर फ्रेंड्स तीसरे डिसऑर्डर की, जो कि है डिसऑर्डर ऑफ थॉट। थॉट यानी कि विचार। विचारों में अगर गड़बड़ी आ जाए तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल और कंटेंट लेवल। फॉर्मेशन लेवल की बात करें हम, फॉर्म करना, विचारों को खुद से फॉर्म करना, खुद से नए नए विचार जनरेट करना, उस वाली दिक्कत को हम किसके अंदर रख रहे हैं, फॉर्मेशन लेवल में। जिसमें पहला टर्म आता है दोस्तों ऑटिस्टिक थिंकिंग। आपने जरूर एक टर्म सुना होगा ऑटिज्म, जो कि बच्चों में देखे जाने वाली बीमारी है। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, स्टूडेंट्स, जैसे कि जो ऐसी थिंकिंग वाला जो पेशेंट होगा वो एक तो सोशली विड्रॉल हो जाएगा, अकेला बैठा रहेगा कोने में और अपने ही विचारों में खोया रहेगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहा है तो वहीं देखे जा रहा है, लेकिन उसके माइंड में एक स्टोरी चल रही है, कोई इमेजिनेशन वाली स्टोरी चल रही है जिसमें कैरेक्टर्स हैं, रोल प्ले हो रहे हैं, मतलब बढ़िया से एकदम लॉजिक वाली स्टोरी चल रही है और वो अकेला बैठा है, किसी से बात नहीं करेगा, सोशली विड्रॉल रहेगा। अगर मैं बात करूं डायरिस्टिक थिंकिंग, ये भी ऑटिस्टिक थिंकिंग की तरह सेम है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लॉजिक प्रेजेंट नहीं होता, उसकी कहानी में कुछ भी हो रहा है, कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, नए नए वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ लॉजिक प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है दोस्तों, डायरिस्टिक थिंकिंग। डायरिस्टिक थिंकिंग में दोस्तों एक एग्जाम्पल है जैसे कि नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म क्या होता है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। नियोलॉजिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, जो पेशेंट है ना वो नए नए वर्ड जनरेट करने लगता है जिनका कुछ भी मतलब नहीं है। इसका एक फेमस एग्जांपल है, जैसे कि बोलते हैं ना कि हिप्पोक्रेटार कमिंग, मालिट्रोचार ईटिंग, ऐसे करके एक एग्जांपल है जिसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स वो बोलता है पेशेंट। दूसरा अगर एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात करूं, वॉन डोमेरस लॉ। ये क्या है दोस्तों, ये भी डायरिस्टिक थिंकिंग के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो यानी कि ये जैसे सिजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं ना उनमें देखने को मिलता है क्या, वॉन डोमेरस लॉ। इसमें क्या होता है दोस्तों कि दो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, दो सिमिलर आइडिया है, उनमें वो जो पेशेंट है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा और उनको मिक्स कर रहा है, इसको ये समझ रहा है और इसको ये समझ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि मान लीजिए एक बकेट है, एक बाल्टी है और साथ में एक जग रखा हुआ है, दोनों की शेप एक जैसी है, दोनों का कलर एक जैसा है, तो वो दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, जग को बाल्टी बोल रहा है और बाल्टी को जग बोल रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, वॉन डोमेरस लॉ। अगर मैं बात करूं प्रोग्रेशन लेवल की, प्रोग्रेशन यानी कि बढ़ते जाना, जो विचार है वो उसके बढ़ते जा रहे हैं। पहला है पॉइंट फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होगा दोस्तों कि जो उसके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, वो बहुत रैपिडली आ रहे हैं, उसकी स्ट्रीम जो है बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से वो विचारों को बदल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए कोई पेशेंट है वो ये बोल रहा है कि मैं दिल्ली गया था, वहाँ पे मैंने एक कार देखी, मेरे दोस्त के पास भी एक कार है, कार मारुति की थी, मारुति का मालिक सुरेश है, सुरेश तो एक दिल्ली में भी रहता है, दिल्ली से वो बैंगलोर गया, बैंगलोर में मैंने प्लेन देखा, प्लेन एयर इंडिया का था, ऐसे रिपीटेड कंटिन्यूसली बिना रुके बोले जाएगा। लेकिन जो भी वो एक बात से दूसरी बात पे जा रहा है ना दोस्तों, उसमें लॉजिक प्रेजेंट है, दोनों बातों में जैसे चेंज कर रहा है ना वो अपने आइडियाज को, उनमें लॉजिक है कि भाई दिल्ली में उसका दोस्त रहता है, तो वो अगला टर्म है जैसे कि गाड़ी, उसके पास गाड़ी है, गाड़ी मारुति की है, मारुति की कंपनी के मालिक का नाम ये है, तो लॉजिक प्रेजेंट है लेकिन रैपिडली चेंज कर रहा है अपने आइडियाज को, जो क्या होता है दोस्तों, फ्लाइट ऑफ आइडियाज।
अगर उसी की तरह मैं बोलूं इनकोहेरेंस क्या है, इनकोहेरेंस भी दोस्तों फ्लाइट ऑफ आइडियाज की तरह ही है, लेकिन इसमें कोई भी लॉजिक प्रेजेंट नहीं है। अभी तक तो ये जो इंटरकनेक्टेड थे फ्लाइट ऑफ आइडियाज में, अब जो होगा इंटरकनेक्शन नहीं रहेगा। अब ऐसे इसमें पेशेंट क्या बोलेगा कि भाई मैं दिल्ली गया था, फिर बैंगलोर गया, दिल्ली में घड़ी देखी मैंने, बैंगलोर से मैंने कुछ खाया, फिर बोलने लगेगा कि भाई जयपुर में एक दोस्त रहता है, फिर कहने लगेगा कल मैंने खाना खाया। रिपीटेडली बातों को चेंज कर रहा है बहुत फास्ट, लेकिन अब उसमें कोई लॉजिक प्रेजेंट नहीं है, इंटरकनेक्शन प्रेजेंट नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा वर्ड है दोस्तों वर्ड सैलड, मतलब कि मिक्स कर दिया उसने सब कुछ, रैपिडली चेंज भी कर रहा है अपने आइडियाज को और मिक्स भी कर दिया उसने, कुछ लॉजिक प्रेजेंट नहीं है, कुछ इंटरकनेक्शन प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों इनकोहेरेंस। होप कर रहा हूं दोस्तों आप एक एक चीज को नोट कर रहे हो, अगर नोट भी नहीं कर रहे हो तो अच्छे से समझ रहे हो, ताकि ये वर्ड आपको आगे कहीं दिखे तो आपको इसका मतलब याद आ जाए। अगला वर्ड है दोस्तों परसिवरेशन। परसिवरेशन क्या होता है दोस्तों, अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि जो पेशेंट है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये परसिवरेशन इसको हो रखा है, उसमें क्या होगा, आप उस पेशेंट से कुछ भी पूछोगे वो एक ही आंसर देगा। आपने किसी से पूछा कि वो कौन है, वो बोलेगा कि वो राकेश है। अगर फिर आपसे उससे पूछोगे अच्छा आपने खाना खाया, वो बोलेगा राकेश है। आप बोलोगे उससे कि कल आपसे मिलने कौन आया था, वो बोलेगा राकेश है। हर चीज का, हर क्वेश्चन का एक ही आंसर दे रहा है वो, उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं परसिवरेशन। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों सर्कमस्टेंशियलिटी। इन दोनों को क्या फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल भी आपको इधर उधर का नहीं पढ़ा रहा हूं, एग्जाम जो हमारा नोट सेट है उसी को टारगेट करते हुए एक एक टर्म पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगला टर्म है जैसे कि दोस्तों सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है, मान लो किसी से मैंने कोई बात पूछी, कोई क्वेश्चन किया, वो उस चीज का आंसर नहीं दे रहा, इधर उधर की बातें कर रहा है और बहुत देर में घुमा फिरा के बहुत देर में वो उस चीज का आंसर दे रहा है, वो अपने उस गोल पे पहुंच रहा है। मान लीजिए कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, वो पहले इधर की उधर की बात कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, कभी 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 लास्ट में जाके मेरे पॉइंट का आंसर दे रहा है, वो क्या होता है दोस्तों सर्कमस्टेंशियलिटी। सेम टेंजेंशियलिटी, अब क्या होगा दोस्तों, वो मेरे पूछे गए सवाल का जवाब ही नहीं देगा, इधर उधर की बातें करता रहेगा, मेरे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा, वो क्या होता है टेंजेंशियलिटी। इन दोनों में दोस्तों फर्क समझना, और क्वेश्चन आता है ये कि अगर मान लो कि वो गोल पे पहुंच रहा है अपने, मेरे पूछे गए सवाल पे जो कि उसका गोल है कि वो क्या पूछ रहा है, वो मुझे बताना है, उस आंसर को वो देगा लेकिन बहुत देर में देगा, बहुत सारी बातें घुमा फिरा के लास्ट में जाके वो आंसर देगा, वो क्या है सर्कमस्टेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी क्या है, वो उसका आंसर ही नहीं देगा, बस इधर उधर की फालतू की बातें करता रहेगा, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो नहीं बताएगा, वो क्या है टेंजेंशियलिटी। स्टार मार्क करके सारी चीजें लिखते जाना दोस्तों। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है दोस्तों आपके सामने, क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन क्या है दोस्तों, इसमें जो पेशेंट है ना वो जो एक जैसे सिमिलर साउंड वाले जो वर्ड है उनको रिपीट करता रहेगा। हिंदी में जैसे मैं बोलूं नाली काली पाली चाली हाली साली, इन वर्ड्स को वो बार 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 रिपीट कर रहा है जो कि सुनाई देने में एक जैसे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स क्लैंग एसोसिएशन। काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मैं नेक्स्ट टाइप्स की बात करूं दोस्तों फोबिया। फोबिया क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज से डर पैदा होना, जिसको हम क्या कह रहे हैं फोबिया। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को बंद कमरे से डर लगता है, जिसको कहते हैं हम क्लॉस्ट्रोफोबिया। ऊंचाई वाले डर को हम क्या कहते हैं एक्रोफोबिया। फोबिया के जो टर्म्स हैं दोस्तों उनको मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा, काफी सारे टर्म्स हैं जिनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जो काफी बार आया हुआ होगा फोबिया का टर्म, वो मैं आपको मार्क करा दूंगा। अब नेक्स्ट टर्म की बात करूं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है दोस्तों, ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ डिजीज, यानी कि एक पेशेंट है उसको ऐसा लग रहा है कि उसे कोई बहुत खतरनाक बीमारी है, ऐसी थिंकिंग रखने वाले पेशेंट को क्या बोलेंगे हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस। वो सोच रहा है, उसको मान लीजिए खांसी हुई, उसे ऐसा लगने लगेगा कि मुझे कहीं टीबी तो नहीं हो गया, वो डॉक्टर्स को चेंज करता रहेगा, कभी किसी डॉक्टर के पास जाएगा, किसी डॉक्टर के पास जाएगा, जबकि रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है, फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई घातक बीमारी है, उसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अगर मैं अगले टर्म की बात करूं फ्रेंड्स ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या होता है कि कोई विचार हमारे दिमाग में बार 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 स्ट्राइक कर रहा है, उस चीज को हम क्या कह रहे हैं ऑब्सेशन। आपने डिजीज कंडीशन सुनी होगी ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, उसमें क्या हो जाता है कि विचार बार बार आ रहे हैं और फिर वो उन विचारों को परफॉर्म कर रहा है, फिजिकली एक्टिविटी दिखा रहा है। एक क्लासिकल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको कि भाई किसी के दिमाग में विचार आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं,
वो बार बार उसके अभी जब तक उसके दिमाग में विचार आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, और जो उसको बार बार इरिटेट कर रहे हैं वो क्या है, ऑब्सेशन। अब वो उठ के जाएगा, हाथ धोएगा, ये क्या है, कंपल्शन। अगर वो फिजिकली उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, कंपल्शन। कंबाइन इस बीमारी को क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बस डिसऑर्डर ऑफ थॉट की, हम यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो ऑब्सेशन का क्या मतलब है, एक विचार किसी व्यक्ति के दिमाग में बार 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 अगर आ रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं, हम ऑब्सेशन। अगर मैं बात करूं डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या होता है दोस्तों, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको डिल्यूजन है, उसके उसके मन में एक विचार आ गया है, कोई फॉल्स जो कि बिल्कुल गलत है उसने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया है, उसको क्या कह रहे हैं, डिल्यूजन। इसके बहुत सारे सब टाइप होते हैं, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मेनिया वाले पेशेंट को मैं देखने को मिलता है, उसको ये गलत फहमी हो गई है कि वो बहुत बड़ा राजा है और कोई भी उसके दिमाग से ये चीज निकाल नहीं सकता कि भाई, उसको कोई समझा नहीं सकता कि नहीं भाई तू राजा वाजा नहीं है, तू एक नॉर्मल इंसान है। वो सबको मना कर देगा, सबको डिनाई कर देगा कि नहीं मैं तो राजा हूं। ऐसे ही आता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट और काफी सारे डिल्यूजन है, अभी मैं आपको वो दिखाता हूं कि वो किस किस टाइप के डिल्यूजन हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम डिल्यूजन के एग्जांपल्स की, डिल्यूजन के टाइप्स की। सबसे पहला आता है हमारे सामने डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, या फिर इसी को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, और इसका एक और नाम है एक्सपेंसिव डिल्यूजन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें जो पेशेंट है ना वो अपने आप को बहुत महंगा समझने लगता है, अपनी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही समझने लगता है, जैसे कि वो अपने आप को भगवान मानने लगेगा, अपने आप को एक कर्नल मानने लगेगा, रिटायर्ड सोल्जर मानने लगेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो उसी की तरह ना बिहेव करता है, अगर वो अपने आप को कोई राजा समझ रहा है तो उसी की तरह पोशाक पहन के आ जाएगा, उसी की तरह सबसे बातें करेगा। ये किसके अंदर आ रहा है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर के अंदर, देखने को किसमें मिलता है, ये मेनिया में। दूसरी बात करूं अगर मैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया बीमारी के अंदर देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस से आप समझ रहे होंगे कि उसे पेशेंट को ऐसा लगता है कि हर चीज उसी के बारे में बात कर रही है। हर चीज में किस लिए बोल रहा हूँ कि बस इंसानों की बात नहीं करेगा वो, टीवी रेडियो, उसे ऐसा लगेगा हर जगह बस उसी की बात हो रही है। तो उसको क्या कहते हैं हम, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिजोफ्रेनिया में। अगली बात करूं तो दोस्तों डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों पछतावा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसने ऐसा अपराध कर दिया है जिसकी कोई जिसका कोई सजा भी नहीं है, तो वो हमेशा गिल्ट में रहेगा। ये किस में देखने को मिलता है हमें, डिप्रेशन वाले पेशेंट में, डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसने ऐसा गुनाह कर दिया है जिसकी सजा, मतलब अब भगवान सजा भी नहीं दे सकते उसके, इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, वो सुसाइडल थॉट्स भी आने लगेंगे उसको इस कंडीशन में। नेक्स्ट है दोस्तों पैरानॉइड डिल्यूजन। पैरानॉइड का मतलब होता है कि शक करना, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि बेमतलब के उसे शक हो रहे हैं जबकि कोई ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा है फिर भी उसे ऐसा फील हो रहा है। उसके अंदर दोस्तों दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब है उसको ऐसा लगने लगता है कि सब लोग उसे मारना चाह रहे हैं, या तो वो वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। उसे ऐसा लगता है कि जो भी ये दूसरा पर्सन है वो उसको मारना चाहता है, उसको उसकी जान लेना चाहता है। ये क्या है दोस्तों, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। आगे अगर दूसरे टर्म की बात करूं जो कि आता है पैरानॉइड के अंदर ही आता है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। ये मतलब कि अगर हस्बैंड है तो उसको लगेगा कि जो उसकी वाइफ है उसको चीट कर रही है, किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है, वो किसके अंदर आता है, इनफिडेलिटी। ऐसे ही वाइस वर्जा, वाइफ को ऐसा लग सकता है कि हस्बैंड का कहीं पर अफेयर चल रहा है, इसके लिए टर्म यूज होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। एक एक चीज को मार्क करना, लिखना और याद करने की कोशिश करना, सबको रिविजन जरूर करना। अगला है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ निगेशन। निगेशन में क्या होता है दोस्तों, ये डिप्रेशन में देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, और किसी की भी एग्जिस्टेंस को ना वो मतलब कि मान नहीं पाएगा कि कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा है वो, चाहे उसके घर वाले हों, यार दोस्तों, उसे लगेगा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। इसी के अगर मैं दो अदर नाम की बात करूं, इसी को कहते हैं डिल्यूजन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, किसी की भी एग्जिस्टेंस को वो मानेगा नहीं। दूसरा है नीलिस्टिक डिल्यूजन, इसी का दूसरा नाम है नीलिस्टिक डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन का। लास्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, उसे वो ऐसा बोलेगा कि भाई ये मुझे ये मशीन कंट्रोल कर रही है। अगर वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो सबको ये कहेगा कि भाई ये मशीन मुझे कंट्रोल कर रही है, मुझे कोई भूत प्रेत कंट्रोल कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई और मुझसे करवा रहा है। वो फॉल्स फिक्स्ड किसके अंदर आएंगे दोस्तों, कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर।
और अगर मैं डिल्यूजन के टाइप्स की बात करूं, एक आता है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉल। ये हमें कहां देखने को मिलेगा? ये हमें डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा, डिल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉल। उसे ऐसा लगेगा कि उसके पास कोई बात ही नहीं है। अगर वो किसी से बात करने को कहें, अगर कोई डॉक्टर उससे पूछेगा कि बताओ तुम अपने बारे में कुछ, वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में तो कोई विचार आ ही नहीं रहा है, मेरे अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या बात करूं। तो उसके जो थॉट्स हैं वो विड्रॉ हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। इसको किसके अंदर रख रहे हैं हम? डिल्यूजन ऑफ विड्रॉल। एक टर्म आता है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ इंसर्शन। उसमें पेशेंट बोलेगा, उसके अंदर फॉल फिक्स्ड बिलीफ हो जाएंगे कि कोई उसके अंदर थॉट इंसर्ट कर रहा है, कोई उसको जो उसके अंदर दिमाग में बातें हैं उसे ऐसा लगेगा कि कोई और इंसर्ट कर रहा है उसके दिमाग में बातें। तीसरा एक इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। उसमें क्या होता है दोस्तों, मरीज को ऐसा लगता है, ऐसा उसके दिमाग में फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाते हैं कि हर जगह जो बात चल रही है ना वो उसके विचार हैं, जो उसके विचारों को ब्रॉडकास्ट करा जा रहा है, उसके विचारों को फैलाया जा रहा है। टीवी में न्यूज़ चलेगी, उसे ऐसा लगेगा कि ये न्यूज़ मेरी बातें हैं, मेरे दिमाग से विचार लेके ये लोग न्यूज़ चला रहे हैं। रेडियो पे कोई बातें चलेगी या कोई भी ऐसी बात करेगा, उसे ऐसा लगेगा कि जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो उसके विचार हैं जिनको लोगों में फैलाया जा रहा है। तो ये बात करी हमने फ्रेंड्स डिल्यूजन्स की, टाइप्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि हम फोबिया के जो टाइप्स हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं कि फोबिया के क्या क्या टाइप्स हैं। फोबिया क्या होता है दोस्तों? किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से किसी को डर लगना, वो क्या होता है? फोबिया। अब देखते हैं दोस्तों कि पहला टर्म क्या है? एक्रोफोबिया। एक्रो का यानी मतलब क्या होता है कि हाइट से अगर किसी को डर लग रहा है ना तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्रोफोबिया। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ हाइट। आप नोट्स में अपने ऐसे शॉर्ट में ये बना के चार्ट ऐसे छोटा छोटा लिख लेना, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को हाइट से डर लग रहा है उसे क्या कह रहे हैं हम? एक्रोफोबिया। अगला टर्म है दोस्तों एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या होता है? अगर किसी को पेन से डर लग रहा है, यानी कि मान लो कोई ऐसा काम है जिसमें पेन होगा, तो वो उस काम को बिल्कुल नहीं करेगा, उससे बिल्कुल दूर भागेगा। उसको इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ पेन। पेन से किसी को डर लग रहा है वो क्या है? एल्गोफोबिया। अगला है दोस्तों एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या होता है दोस्तों? किसी को अगर ओपन फील्ड से, ओपन स्पेस से डर लग रहा है, खुले मैदान में जाने से डर लग रहा है, तो वो क्या है? एग्रोफोबिया। इन दोनों में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा, अगर पूछेगा वो एल्गोफोबिया के बारे में, तो ऑप्शन में एग्रोफोबिया भी जरूर देगा, क्योंकि उसे पता है बच्चे कहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं। लेकिन हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। AGRO एग्रो, एग्रो से आप याद रख लेना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि जिसमें खेत वेत आते हैं, तो खेत क्या है? एक खुला स्पेस है, ओपन स्पेस है, जिसे हम याद रख सकते हैं। एग्रोफोबिया क्या है? ओपन स्पेस। ओपन स्पेस से किसी को डर लग रहा है उसको बोल रहे हैं हम क्या? एग्रोफोबिया। अगला टर्म है दोस्तों क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया इसका अपोजिट है, वहां पे ओपन स्पेस से डर लग रहा था, यहाँ पे क्लोज स्पेस से डर लगेगा, बंद जगह से पेशेंट को डर लगेगा। यहाँ पे लिख देते हैं क्लोज्ड स्पेस, बंद कमरे में या कोई भी ऐसी जगह जो क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, उसमें जाने से पेशेंट को डर लगता है, जिसको क्या कह रहे हैं हम? क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगला पेशेंट दोस्तों की टर्म है ज़ूनोफोबिया। ये नाम से ही बता रहा है, ज़ू मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, तो एनिमल से जिसको डर लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम? ज़ूनोफोबिया। एनिमल्स लिख देता हूँ यहाँ पे, एनिमल से जिसको डर लग रहा है वो क्या है? ज़ूनोफोबिया। अगला टर्म है दोस्तों मीसोफोबिया। मीसोफोबिया क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया या फिर जो जर्म्स हैं उनसे किसी को डर लग रहा है तो वो क्या है? मीसोफोबिया। जर्म्स या फिर बैक्टीरिया उससे किसी को डर लग रहा है, उस टर्म को क्या कह रहे हैं हम? मीज़ोफोबिया। साइनोफोबिया क्या है दोस्तों? किसी को कुत्तों से बहुत डर लगता है, जैसे ही कोई कुत्ता दिख जाता है कि बहुत दूर कोई डॉगी खड़ा है, तो पहले ही इतनी दूर होके चलते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? साइनोफोबिया। अगर किसी को डॉग्स से डर लग रहा है तो उस टर्म को हम क्या कह रहे हैं? साइनोफोबिया। अगला है दोस्तों बेलेनोफोबिया। बेलेनो का मतलब होता है कि जो निडल है, सुई से अगर किसी को डर लग रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं हम? बेलेनोफोबिया। नीडल से किसी को डर है तो उसको क्या कह रहे हैं? बेलेनोफोबिया। सुई लगवाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, सुई का अगर कोई नाम भी ले दे तो उसके पसीना पसीने हो जाता है वो, तो उसको क्या कह रहे हैं हम? बेलेनोफोबिया। फोबिया दोस्तों नॉर्मल डर नहीं है, नॉर्मल डर तो सबको लगता है, लेकिन फोबिया क्या है कि यानी कि अगर उस चीज़ के बारे में किसी ने बात किया, मतलब सोच भी लिया ना अगर उस चीज़ के बारे में, तो उसको इतनी सीवियर एंग्जाइटी हो जाएगी, पसीने पसीने आएंगे, घबराने लगेगा, ये होता है फोबिया। अगला टर्म है दोस्तों थैंटोफोबिया। थैंटोफोबिया का मतलब है कि फियर ऑफ डेथ। मरने से किसी को अगर बहुत सीवियर डर लग रहा है, मरने से तो सबको ही डर लगता है, लेकिन ऐसा सोचने पे भी कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा डर लगना, उसको क्या कह रहे हैं हम? थैंटोफोबिया। ब्रैकेट में लिख देता हूँ फियर ऑफ डेथ।
नेक्स्ट है दोस्तों गैमोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब होता है किसी को शादी से डर लग रहा है। अगर किसी को मैरिज से डर लग रहा है कि मेरी शादी ना हो जाए, मेरी इस चीज से अगर किसी को डर लग रहा है, उसको क्या कह रहे हैं हम, गैमोफोबिया। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैरिज शादी से किसी को डर लग रहा है उसको क्या कह रहे हैं हम, गैमोफोबिया। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फोबिया के, जो बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपको याद रखने हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये। मैंने वैसे तो दोस्तों फोबिया इतने सारे हर तरीके का फोबिया होता है, लेकिन मैंने सेलेक्टेड यहाँ पे लिखे हैं जो हमें क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलते हैं और जो आपको याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम नेक्स्ट टाइप की, जो कि है डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी में दोस्तों आते हैं तीन इसके सब कैटेगरी है। पहला है या तो उसकी मोटर एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, जो कि किस में देखने को मिलती है हमें, मेनिया वाले पेशेंट्स में, इसकी बात अभी करेंगे। पहले इसको देखते हैं, या तो मोटर एक्टिविटी बढ़ रही है या तो मोटर एक्टिविटी कम हो रही है, जो हमें किस में देखने को मिल रही है, डिप्रेशन वाले पेशेंट में। एक ही जगह बैठा रहता है, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, तो उसमें मोटर एक्टिविटी कम हो जाती है। मेनिया वाला पेशेंट किसी से रोके भी नहीं रुकता है, वो इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है, इतना भागा फिरता है, तो उसमें मोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। बात करें जो यहाँ पे मेन पार्ट है हमारा, डिसएक्टिविटी, यानी कि उसकी एक्टिविटी में कुछ और गड़बड़ी आ जाना, जिसके फर्दर टाइप्स हैं दोस्तों। सबसे पहला है दोस्तों स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रिपीटेटिव, या फिर एक तरीके से फिक्स, या फिर रिपीटेटिव बोल सकते हैं इसको, जिसमें पहला पॉइंट आता है स्टीरियोटाइप पोजीशन, यानी कि इसमें जो पेशेंट है एक ही पोजीशन होल्ड करके रखेगा। यानी कि अगर मान लीजिए उसने वो ऐसे एक हाथ ऊपर करके खड़ा है, तो वो ऐसे ही खड़ा रहेगा जब तक कोई दूसरा पर्सन उसका हाथ नीचे ना कर दे। सिज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलती है फ्रेंड्स हमें ये सब चीज़ें। तो जो स्टीरियोटाइप पोजीशन है उसमें एक ही पोजीशन होल्ड कर लेता है पेशेंट, या तो हाथ ऊपर लेके खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, गर्दन टेढ़ी करके खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा रहेगा जब तक कोई दूसरा पर्सन आके चेंज ना करे। इसमें पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है कभी कभी। तो इस पोजीशन को किसी एक फिक्स्ड स्टेट में खड़े हो जाना, पोजीशन को अपनी होल्ड करके रखना, इसी के दोस्तों और भी नाम है, जिस नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैटेलेप्सी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी। इन सबको आप नोट कर लेना। इन सब का एक ही मतलब है कि जो पेशेंट है वो एक पोजीशन में होल्ड करके रखता है जब तक कोई दूसरा चेंज ना कर ले, वरना वो सुबह से लेकर शाम तक उसी पोजीशन में खड़ा रहता है। अगला है दोस्तों स्टीरियोटाइप मूवमेंट। अभी तक तो बस किसी एक स्ट्रक्चर एक पोजीशन में खड़ा था, अब वो किसी तरीके की मूवमेंट कर रहा है, बार बार एक ही मूवमेंट को दोहरा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनरिज्म। जैसे कि अगर वो मान लो ब्लिंक कर रहा है तो ब्लिंक करे जा रहा है, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है तो ऐसे ऐसे करे ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, स्टीरियोटाइप मूवमेंट, या फिर इसको क्या कहते हैं, मैनरिज्म। क्वेश्चन इस चीज से आएगा, ना कि इस चीज से। तो हमें ये सब चीजें याद रखनी है कि किसका क्या नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टीरियोटाइप स्पीच, यानी कि रिपीटेटिव किसी वर्ड को वो दोहरा रहा है। उसमें अगर मैं बात करूं, एक जो टर्म एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा वो है वर्बिजरेशन। वर्बिजरेशन का मतलब है कि कोई एक पेशेंट है, उसने किसी से सुन लिया, कोई बात कर रहा था कि मान लो वो कह रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो वो इसी चीज़ को दोहराता रहेगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कोई उससे बात नहीं कर रहा है पर वो इस वर्ड को, या वो वर्ड भी हो सकता है, कोई सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई वर्ड है खाना, उसको बोले जा रहा है खाना, रिपीट करे जा रहा है एक ही वर्ड को, उसको क्या बोल रहे हैं, वर्बिजरेशन। अब अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप की, ये क्या है दोस्तों, नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म क्या होता है, ये एक्टिविटी में क्यों आया है कि जैसे मान लो कि कोई नर्स है, वो किसी पेशेंट के पास गई है, उसने अब यहाँ पे पेशेंट को पता चल गया है कि ये नर्स मेरे को दवाई देने आ रही है, नर्स उससे बोलेगी कि अपना हाथ आगे करो, उसे पता है कि नर्स उससे हाथ आगे करवाएगी, लेकिन वो जानबूझ के और अपनी मुट्ठी टाइट कर लेगा, हाथ नहीं खोलेगा, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, नेगेटिविज्म। मतलब कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा या फिर गलत या अपोजिट काम करना। नर्स उससे कह रही है कि हाथ खोलो, वो क्या कर रहा है, और मुट्ठी टाइट कर ले रहा है, उल्टा काम कर रहा है, इसको क्या कह रहे हैं हम, नेगेटिविज्म। अगला है दोस्तों कंपल्सन। ये भी एक्टिविटी की डिस्टर्बेंस में आता है, कंपल्सन। मैंने अभी बताया था कि ओसीडी में क्या हो जाता है, ऑब्सेशन का मतलब है बार बार रिपीटेड थॉट्स आना, और कंपल्सन का मतलब है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना, उठ के जाना, हाथ धो के आना, ये जो प्रोसेस कर रहा है पेशेंट, ये क्या है, कंपल्सन। उसके दिमाग में जो विचार आ रहा है वो क्या है, ऑब्सेशन। ये भी हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट है, ऑटोमेटिक बिहेवियर। ऑटोमेटिक बिहेवियर के अंदर फ्रेंड्स दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया में क्या होगा दोस्तों, इसमें नकल उतारता है पेशेंट, यानी कि जैसे अगर मैं पूछूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इकोलेलिया वाला, इकोलेलिया होता है कि इकोलेलिया वाला दोस्तों
जो हम बोलेंगे उसको रिपीट करेगा, और जो इको इको प्रेक्सिया है ना वो हमारे एक्शंस को रिपीट करेगा, हमारे एक्शंस की नकल उतारेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि मान लो एक पेशेंट है, मैंने उससे पूछा कि आपने खाना खाया, वो बोलेगा आपने खाना खाया। मैं बोलूँगा तुम मेरी बात रिपीट क्यों कर रहे हो, वो बोलेगा तुम मेरी बात रिपीट क्यों कर रहे हो। तो मेरे वर्ड्स की नकल उतारना वो क्या है, इको ले लिया। इको प्रेक्सिया क्या है, मैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ उसकी नकल उतारना वो क्या है, इको प्रेक्सिया। मैं अगर उससे कहूँगा कि इधर आओ, वो भी ऐसे करेगा। मैं उसे करूँगा कि वो क्या करेगा, वो भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो ये क्या है, ये दोनों टर्म में कन्फ्यूज़ नहीं होना, इनको याद कर लेना, इको ले लिया और इको प्रेक्सिया। अब बात करें हम वायलेंस, लड़ाई झगड़ा करना, ये भी हमारे मोटर एक्टिविटी के डिस्टर्बेंसेज में आता है। सुसाइड, कोई जाके फिजिकल एक्टिविटी करके ही तो कोई सुसाइड कर रहा है, जैसे कोई फांसी लगा रहा है या बिल्डिंग से कूद रहा है, उसमें उसकी जो मोटर एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व हो रही है, उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, तभी तो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है। तो वॉयलेंस और सुसाइड भी इसी के अंदर रखते हैं। बात करें अगर दोस्तों हम सुसाइड की, सुसाइड में अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट कॉमन जो तरीका है सुसाइड का वर्ल्ड वाइड वो क्या है, तो उसका आंसर जाएगा दोस्तों गनशॉट या फिर फायरआर्म। फायरआर्म बोलते हैं किसको, हम हथियारों को फायरआर्म बोल रहे हैं। मैं बात इंडिया की नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड कर रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड में मोस्ट कॉमन तरीका सुसाइड करने का क्या है, गनशॉट या फिर फायरआर्म। अगर मैं यही चीज़ इंडिया में पूछूं कि इंडिया में मोस्ट कॉमन कौन सा तरीका है जिससे लोग सुसाइड करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों पॉइजन। खेती का नुकसान हो जाता है, उस वजह से जो फार्मर्स हैं वो सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है पॉइजन। अगर मैं पूछूं कि सबसे दर्दनाक मौत किस तरीके के सुसाइड से होती है जिसमें बचने की कोई चांसेस नहीं रहती, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों गनशॉट, क्योंकि गनशॉट से बहुत कम केसेस देखे हैं कि जो सुसाइडल वाला पर्सन है वो बचा गया हो, मैक्सिमम केसेस में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी कुछ बातें फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डिस्टर्बेंस की, नेक्स्ट डिसऑर्डर की। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम अपने फिफ्थ डिस्टरबेंस की, फिफ्थ डिसऑर्डर की, जो कि किसका है, परसेप्शन का। परसेप्शन क्या होता है दोस्तों, जो भी हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, वो क्या है हमारा परसेप्शन। जैसे कि अगर हम आंखों से परसीव कर पाए किसी चीज़ को, किसी भी वस्तु को या फिर एनवायरमेंट को, वो कौन सा परसेप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा विजुअल परसेप्शन। अगर मैं बात करूं अपने कानों से मैं कुछ सुन पा रहा हूं, वो हो जाएगा ऑडिटरी। कुछ मैं स्मेल कर पा रहा हूं, वो हो जाएगा ऑल्फैक्टरी। कुछ मैं टेस्ट कर पा रहा हूं, वो हो जाएगा गस्टेटरी। और कुछ मैं स्किन पे टच करके फील कर पा रहा हूं, वो हो जाएगा हमारा टैक्टाइल परसेप्शन। तो उसी के थ्रू अगर हम बात करें कि डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं दोस्तों, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन से दोस्तों इतने क्वेश्चन आए हैं, हजारों लाखों करोड़ों बार क्वेश्चन आ चुके हैं नर्सिंग एग्जाम में, इतना कॉमन है। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि एक फ्री का नंबर है, बिल्कुल फ्री का नंबर मिलता है स्टूडेंट्स को, लेकिन पता नहीं क्यों इन दोनों चीज़ों में जो स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन को गलत करके आता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं दोस्तों इल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या है। मान लीजिए इस टेबल पे या फिर यहां पर फर्श पे कोई रस्सी पड़ी है, अगर रस्सी क्या है, एक एक्चुअल स्टिमुलाई है, असल में रस्सी पड़ी है, और वो मुझे क्या दिख रही है, वो मुझे सांप दिख रही है। ये इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है जिससे सभी को समझ आ जाएगा। रस्सी है मौजूद असलियत में और मुझे वो सांप दिख रही है, तो वो क्या है, इल्यूजन, यानी कि एक्चुअल स्टिमुलाई इज प्रेजेंट। और अगर वहीं पे कुछ भी ना पड़ा हो, कुछ रस्सी वस्सी कुछ नहीं है, खाली फर्श है, फिर भी मुझे वहाँ पे सांप दिख रहा है, तो वो क्या है, हेलुसिनेशन, जिसमें जो एक्चुअल स्टिमुलाई है वो एब्सेंट है। ये बात हो गई फ्रेंड्स कि इल्यूजन और हेलुसिनेशन है क्या। अगर मैं बात करूं कि मोस्ट कॉमन इल्यूजन कौन सा होता है, तो वो होता है विजुअल इल्यूजन, यानी कि मैं किसी चीज़ को गलत परसीव कर रहा हूं अपनी आइज के थ्रू, को देख के कुछ गलत उसको परसीव कर रहा हूं, ये सबसे कॉमनली होता है विजुअल इल्यूजन मोस्ट कॉमन है। अब वहीं पे बात करें हम अगर कि हेलुसिनेशन में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स वो होगा ऑडिटरी, यानी कि जो पेशेंट है उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही है, फिर भी उसको कोई अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो सबसे कॉमनली देखने को मिलता है हेलुसिनेशन कौन सा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। वहीं पे मैं बात करूं अगर सेकंड पॉइंट की, मोस्ट कॉमन इन डेलिरियम। डेलिरियम क्या होता है दोस्तों, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि एक तरीके से आप ये मान लो कि चक्कर आना, हल्के हल्के चक्कर आना, उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम, डेलिरियम, जो कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का एक पार्ट है जिसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो उसमें डेलिरियम वाली कंडीशन में कौन सा हेलुसिनेशन सबसे कॉमन है, तो उसका आंसर जाएगा दोस्तों विजुअल। अब बात करूं थर्ड पॉइंट के, फ्रेंड्स ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो इनको आप स्टार मार करके लिख सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं, मोस्ट कॉमन इन एल्कोहलिज्म। अगर कोई पेशेंट है या कोई भी पर्सन है उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तो उसको सबसे कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा देखने को मिलेगा, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ऑडिटरी। उसे अलग अलग तरीके की आवाज़ आएंगी अगर उसने एल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर ली है तो।
वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल विड्रॉल में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, अचानक से उसने छोड़ दी ड्रिंक करना, तो अब जो उसके अंदर जो कंडीशन डेवलप हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, उस टाइम पे कौन सा हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली उसको दिखे, मतलब कि फील होगा, तो वो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों विजुअल। उसे अलग अलग चीज़ें दिखने लगेंगी जो कि प्रेजेंट नहीं होंगी, जो एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, वो सब उसे दिखने लगेगा। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई ज़्यादा ड्रिंक कर ले तब तो आंसर जाएगा हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, और अगर कोई अल्कोहल विड्रॉल की बात कर रहा है, किसी ने ड्रिंक छोड़ दी है सडनली और उसमें जो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, उस टाइम पे कौन सा हेलुसिनेशन दिखेगा, उसका आंसर जाएगा दोस्तों विजुअल। अगर मैं लास्ट बात करूं कि ऑल्फैक्ट्री हेलुसिनेशन, यानी कि जो स्मेल करने वाली जो मिसपरसेप्शन है, जो प्रेजेंट नहीं है, ऐसी कोई खुशबू नहीं आ रही, पर वो फिर भी कह रहा है कि मेरे को गुलाब की खुशबू आ रही है या फिर कोई गंदी स्मेल आ रही है, तो उसको हम, उसका एक और नाम होता है दोस्तों फैंटोसोमिया। फैंटोसोमिया क्या होता है? ऑल्फैक्ट्री हेलुसिनेशन। वहीं पे अगर मैं बात करूं ऑडिटरी हेलुसिनेशन को क्या कहते हैं, उसका आंसर जाएगा पैराक्यूशिया। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये कभी भी कोई से भी एग्जाम में आ सकती हैं और प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो इनको आप नोट कर लेना, रिवाइज करना, जो जो मैंने बताया उन सब पे स्टार मार्क कर लेना। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है हम नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। अब जैसे बात करूं मैं हेलुसिनेशन के ही और फर्दर टाइप की, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, हैप्टिक हेलुसिनेशन, सोमैटिक हेलुसिनेशन। जो टेक्टाइल हेलुसिनेशन और हैप्टिक हेलुसिनेशन है दोस्तों, ये एक ही टर्म के नाम है, यानी कि अगर मान लो स्किन पे कुछ भी टच नहीं हो रहा, जो स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट नहीं है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि कोई मुझे यहाँ से टच कर रहा है, कोई मुझे बैक से टच कर रहा है, जबकि कोई टच नहीं कर रहा, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे उसको, टेक्टाइल हेलुसिनेशन या फिर हैप्टिक हेलुसिनेशन। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो स्किन, ताकि आपको याद रहेगा। दूसरा टर्म है दोस्तों सोमैटिक हेलुसिनेशन, ये भी टच से रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं कहूँ कोई पेशेंट कह रहा है कि मेरे अंदर ऐसा लग रहा है, मेरी स्किन के अंदर कुछ चल रहा है, मेरी स्किन के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है, तब उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक हेलुसिनेशन। बॉडी के अंदर कुछ ऐसा परसीव हो रहा है जो कि है नहीं ऐसा, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में कीड़े चल रहे हैं, मेरे हाथ के अंदर कोई सांप घुस गया है, या कोई भी ऐसा जर्म है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, इधर चला गया, अब इधर चला गया, तो ये किसके अंदर आएगा, सोमैटिक के अंदर। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, जो टेक्टाइल है या फिर जो हैप्टिक है वो स्किन के बाहर की तरफ, और जो सोमैटिक है वो स्किन के अंदर है। इसके अंदर भी सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि इन्फेस्टेशन, उसका ऐसा लगेगा कि पेट में कोई वॉर्म चल रहे हैं, इस तरह के क्या कहते हैं, सोमैटिक हेलुसिनेशन। अगर मैं बात करूं काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, ये फ्रेंड्स काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन का मतलब है मूवमेंट से रिलेटेड हेलुसिनेशन। जो मरीज है उसको ऐसा लगेगा कि हवा में कुछ उड़ रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है, अपने आप कोई घोड़ा हवा में चल रहा है, हाथी हवा में उड़ रहा है। ये सब कब देखने को मिलता है फ्रेंड्स, LSD सबसे उच्च लेवल का जो नशा है उसको कंज्यूम करने के बाद ऐसे हेलुसिनेशन पेशेंट को फील होते हैं। और जो टेक्टाइल, हैप्टिक और सोमैटिक है, ये भी ड्रग अब्यूजर्स में कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स दो नए टर्म की, जो कि आपने मुश्किल ही कहीं सुने होंगे, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन और हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। इनका क्या मतलब है दोस्तों, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन है ना, ये जब पेशेंट सोने जाएगा एट द टाइम ऑफ स्लीप, तब उसको जो फील होंगे, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन एट द टाइम ऑफ स्लीप। और जब सो के उठेगा, वेकअप के टाइम पे जो फील होंगे हेलुसिनेशन, उनको क्या कहेंगे हम, हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। इनको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस इतना सा याद रखना है कि जब पेशेंट सोने के लिए जा रहा है तब कौन सा आ रहा है, जब वेकअप हो रहा है, सुबह उठ रहा है, तब कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिल रहा है। सोने के टाइम पे हिप्नोगोगिक, उठने के टाइम पे हिप्नोपोम्पिक, यहाँ पे मैं वेकअप लिख देता हूँ। तो ये सब बात थी फ्रेंड्स इल्यूजन और हेलुसिनेशन की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले जो हमारा लास्ट टाइप है, डिसऑर्डर ऑफ या डिस्टरबेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों बात करते हैं हम अपने लास्ट टाइप की, जो कि है डिस्टरबेंस इन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है दोस्तों, कि मैं अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट से कितना अवेयर हूँ, लेवल ऑफ अवेयरनेस को ही हम क्या कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस। जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है या रात हो रही है, तो मैं उनको बता सकूँ कि भाई अब शाम हो रही है। कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं अपना नाम बता सकूँ। कोई मुझसे पूछे कि तुम अभी कहाँ पे हो, इस टाइम कौन सी लोकेशन में, तो मैं करेक्टली आंसर कर सकूँ। इससे ये पता चलेगा कि मेरा कॉन्शियसनेस लेवल कितना क्या है, कि बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इसी में गड़बड़ी आ जाए तो क्या क्या देखने को हमें मिल सकता है दोस्तों, सबसे पहला है दोस्तों कन्फ्यूजन।
टोटल। ये जो चार टर्म लिखे हैं दोस्तों, ये सीवियरिटी के हिसाब से कि इससे सीवियर ये है, इससे सीवियर ये है, इससे सीवियर ये है। कन्फ्यूजन की बात करें हम दोस्तों, अगर किसी की टाइम प्लेस पर्सन में, यानी कि टाइम प्लेस और पर्सन को बताने में कोई थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो रहा है या हिचकिचा रहा है, दो चार बार सोच रहा है तब आंसर दे रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा कन्फ्यूज है, इसको कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रखा जा सकता है। अगली मैं बात करूँ स्टूपर की। स्टूपर दोस्तों ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है कि स्टूपर क्या होता है। स्टूपर में फ्रेंड्स दो आंसर जा सकते हैं, एक तो होता है कि अनरेस्पॉन्सिवनेस, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, या फिर दूसरा होता है कि बिल्कुल मिनिमम साइकोमोटर एक्टिविटी दिखती है पेशेंट में। पेशेंट की बस आई मूवमेंट हो सकती है और जो उसकी रेस्पिरेशन है वो नॉर्मली चल सकती है, बाकी पेशेंट बिल्कुल बेसुध होकर पड़ा रहता है। लेकिन अगर तुम उसको कोई हार्ड स्टिमुलाई दोगे, पेन दोगे, बहुत तेज से ऐसे पिंच करोगे, तब वो थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा सकता है, वरना वो बिल्कुल नॉर्मल ऐसे पड़ा रहेगा बेसुध होकर। ये क्या हो गया हमारा स्टूपर। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, अनरेस्पॉन्सिवनेस और मिनिमम साइकोमोटर एक्टिविटी। अगला मैं बात करूं डेलीरियम। डेलीरियम को हम बोलते हैं दोस्तों क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा, उसे चक्कर जैसा आने लगेगा। इसी का फ्रेंड्स दूसरा नाम है एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। एक्यूट जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है उसके अंदर दो कंडीशन आती है, डेलीरियम और डिमेंशिया। तो डेलीरियम को हम क्या बोल रहे हैं, एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, और जो डिमेंशिया होता है उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इनके नाम पे कि डेलीरियम का दूसरा नाम क्या है या फिर डिमेंशिया का दूसरा नाम क्या है। एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है डेलीरियम का नाम। इसमें क्या होगा दोस्तों, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने बताया, जैसे कि अब उसकी कॉन्शियसनेस बिगड़ने लग रही है, और ये उससे भी ज़्यादा सीवियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन और हेलुसिनेशन प्रेजेंट हो जाते हैं। अभी मैंने समझाया आपको इल्यूजन हेलुसिनेशन क्या होता है, वो वाली कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इससे सीवियर है। अब बात करूँ कि फ्रेंड्स मैं कोमा की, फुल्ली अनकॉन्शियस यानी कि बिल्कुल ये मान लीजिए कि बस उसकी रेस्पिरेशन ही चल रही है, बस वो कोमा में है पेशेंट, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दोस्तों कोमा विजिल। पेशेंट कोमा में है लेकिन उसकी बस आंख जो है वो खुली रह गई है, ओपन आई इन स्टेट ऑफ कोमा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोमा विजिल। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ टर्म्स, ये हो गए डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। होप करता हूँ कि आपने सभी को अच्छे से समझा होगा। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है लास्ट में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, तो आप पूरी वीडियोस, सारी मेरी पूरी वीडियोस देखा करें, आने वाली वीडियोस को भी पूरी देखा करें, क्योंकि फ्रेंड्स जो अगर मान लो हमने थ्योरी का पार्ट पढ़ लिया लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जामिनर उस थ्योरी में से क्वेश्चंस कैसे पूछता है, किस किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है और आपको थ्योरी भी पता है ना, तो आप काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप गलत करके आएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, हमें पता चल जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ वर्ल्ड हेल्प्स टू असेस, यानी कि किसी हम पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आज कितनी तारीख है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, इससे हम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। डेलीरियम, परसिवरेशन, ओरिएंटेशन या फिर जजमेंट, आपने सोच लिया हुआ आंसर, ओरिएंटेशन इज द करेक्ट आंसर। हम ये पता लगा रहे हैं कि वो ओरिएंटेड है या नहीं पेशेंट, उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है या नहीं पता, डेट मंथ ईयर के बारे में पता है या नहीं पता, ये इग्नू में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच टर्म रेफर्स टू साइंस दैट डील्स विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्री एंड साइकोलॉजी। दोस्तों ये मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी कि अगर नर्सिंग की जो डेफिनेशन है उसमें हम वर्ड ऐड कर दें मेंटल, जैसे कि मेंटल हेल्थ, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रमोशन ऑफ मेंटल, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस और रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल इल पेशेंट, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन है। अब मैं इसके ऑप्शन पढ़ता हूँ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन, बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। अब आप बोलोगे कि इन ऑप्शंस में तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है ही नहीं, तो अगर आपने नोट बनाए हैं या फिर आप पीछे रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बोला था कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का दूसरा नाम क्या होता है, मेंटल हाइजीन, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और ये RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ पेशेंट हैज एडिक्वेट स्पीच अमाउंट बट कंटेंट प्रोवाइड लिटिल इन्फॉर्मेशन, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि पेशेंट के पास जो स्पीच अमाउंट है वो तो एडिक्वेट है, लेकिन जो उसका कंटेंट है उसमें कमी है, तो वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। ऑप्शंस हैं पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन, म्यूटिज्म, पॉवर्टी ऑफ स्पीच या फिर इकोलेलिया।
अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन तो पढ़ाया ही नहीं था, पॉवर्टी ऑफ स्पीच इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों आप जो ऑप्शंस हैं उनके मीनिंग को ना, इंग्लिश के सारे वर्ड हैं उनको आप तोड़ तोड़ के भी समझ सकते हो। पॉवर्टी ऑफ स्पीच इसका आंसर कैसे चला जाएगा जब ऑप्शन में, जब क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पीच है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन। उसके पास कंटेंट की कमी है, उसके पास आइडियाज की कमी है। पॉवर्टी का मतलब होता है कमी, और अगर हम लोकली बात करें पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, गरीबी आ गई है उसके आइडियाज में, आइडियाज में कमी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच टर्म रेफर्स टू परसेप्चुअल अबनॉर्मैलिटी। ऑप्शंस हैं डिल्यूजन, अटेंशन, हेलुसिनेशन, ओरिएंटेशन। ये पूछना चाह रहा है कि परसेप्शन का कौन सा डिसऑर्डर है। उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों इसका हेलुसिनेशन। परसेप्शन के अंदर हेलुसिनेशन और इल्यूजन दोनों आते हैं। आप इसका आंसर डिलीरियम मत लगा देना, क्योंकि डिलीरियम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, डिलीरियम एक कंडीशन है जिसके अंदर हेलुसिनेशन और इल्यूजन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि परसेप्शन का कौन सा डिसऑर्डर है, जबकि जो डिल्यूजन है वो किस चीज का डिसऑर्डर है, वो थॉट का डिसऑर्डर है हमारा। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ अटेंड एंड रिएक्ट टू अ स्टिमुलस इज नोन एज। मतलब कि कोई कोई स्टिमुलस आया, उसके थ्रू हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है। ऑप्शन है परसेप्शन, एलेबोरेशन, इंटरप्रिटेशन या फिर सेंसेशन। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ अटेंड एंड रिएक्ट टू स्टिमुलाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों परसेप्शन। हम किसी चीज़ को परसीव ही तो कर रहे हैं, अगर हम किसी के थ्रू रिएक्ट कर रहे हैं, मान लो कोई स्टिमुलस आया, यहाँ पे टच हुआ, मैं रिएक्ट करा, तो ये क्या है, मैंने परसीव करा ना कि कुछ मेरे पास आके टच हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों परसेप्शन। इग्नू में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इल्यूजन इज, इल्यूजन क्या है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, आपको इसका आंसर इजीली समझ जाओगे। ऑप्शन ए परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, ऑप्शन बी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ऑप्शन सी क्लियर परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, ऑप्शन डी रॉन्ग परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। इल्यूजन क्या था दोस्तों, जब स्टिमुलाई प्रेजेंट है और तब उसको हम गलत परसीव कर रहे हैं। ऑप्शन सेकंड पढ़ते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रियल में जो स्टिमुलाई प्रेजेंट है लेकिन उसको हम मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एम्स भोपाल में आया हुआ है क्वेश्चन, और ये RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई इज नोन एज। खुद ही बता रहा है कि स्टिमुलाई प्रेजेंट है और गलत परसीव कर रहे हैं उसको, हम क्या बोलेंगे, इल्यूजन इज द करेक्ट आंसर। यह आया हुआ है RRB स्टाफ नर्स में और इग्नू में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द कंडीशन व्हेन अ रोप मे बी परसीव्ड बाय अ पर्सन एज अ स्नेक इन डार्क इज रेफर्ड एज। ये भी मैंने इसी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इल्यूजन, क्योंकि जो रोप है वो असल में प्रेजेंट है। RRB में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंजू सीज अ डिजाइन ऑफ अ फ्लावर ऑन द वॉलपेपर एंड परसीव इट एज एन एनिमल। सेम बात बोल रहा है कि वहाँ पे जो पेंटिंग है वो प्रेजेंट है, वो फ्लावर्स को एनिमल समझ रही है, यानी कि जो रियल स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट है। इसका भी आंसर दोस्तों बिना पढ़े आपने भी अपने मन में सोच लिया होगा, इल्यूजन इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों ये देखो कब कब आया हुआ है, JSSHS दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर, BHU स्टाफ नर्स और RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस में आया हुआ है। तो देखो ये इतने इजी क्वेश्चन है, ये बच्चे इनको भी अगर गलत करके आएंगे ना तो वो रेस से पहली बार हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं दोस्तों, ये सब आपको आने ही आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ परसेप्शन दैट अकर्स व्हेन अ सेंसरी स्टिमुलस इज प्रेजेंट बट इज इन, वही क्वेश्चन है सेम, इल्यूजन के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं दोस्तों, तो यही छोटी छोटी चीज़ें जिनमें हमें गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन पे मैं स्किप कर जाता हूँ, नर्स मोनिका इज केयरिंग फॉर अ मेल क्लाइंट हु एक्सपीरियंसिस सेंसरी परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस, दिस परसेप्शन इज नोन एज। UPPSC में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको खुद बताना है। ये खुद बोल रहा है कि भाई विदाउट एनी स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो कुछ परसीव कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेलुसिनेशन। अगला क्वेश्चन है, हेलुसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, ये बताना है आपको हेलुसिनेशन किस चीज़ का डिसऑर्डर है, परसेप्शन का, कॉन्शियसनेस का, थॉट का, बिहेवियर का। मैंने सब आपको चार्ट बना के बताया था, अगर आपको वो चार्ट भी याद होगा ना तब भी ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। हेलुसिनेशन परसेप्शन का डिसऑर्डर है, इसका करेक्ट आंसर होगा परसेप्शन। अगला क्वेश्चन है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आर डिसऑर्डर ऑफ, ये भी मैंने बताया था कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन किस चीज़ का डिसऑर्डर है, जजमेंट का, परसेप्शन का, मूड का, अफेक्ट का। हेलुसिनेशन नाम इसमें जुड़ गया है तो ऑटोमेटिक ये परसेप्शन के अंदर ही आएगा, करेक्ट आंसर इसका है परसेप्शन। एम्स रायपुर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इमेजिनरी परसेप्शंस आर कॉल्ड, जो इमेजिनरी परसेप्शन है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं डिल्यूजन,
इल्यूजन, हेलुसिनेशन या फिर मैजिकल थिंकिंग। ये बोल रहा है इमेजिनरी, यानी कि रियल में कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेलुसिनेशन। क्वेश्चन घुमा घुमा के आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन को समझना है कि पूछना क्या चाह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हेलुसिनेशन, क्योंकि इमेजिनरी बोल रहा है, रियल में कुछ प्रेजेंट नहीं है, इमेजिनेशन में प्रेजेंट है। बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड। सेम क्वेश्चन कि भाई रियल में कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी फॉल्स परसीव कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हेलुसिनेशन बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर है, बिना ऑप्शन पढ़े आप कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को देखोगे ना दोस्तों, ये कितनी बार आया हुआ है? एम्स पटना में, एम्स जोधपुर में, एम्स बठिंडा में, एम्स पटना में 2015 में भी, और एम्स जोधपुर और ऋषिकेश में 2017 में। अब बताओ, इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी बच्चे इन चीज़ों को गलत करके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स द, गस्टेटरी हेलुसिनेशन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? नोज, टेस्ट बड, ईयर्स और स्किन। मैंने बताया था कि ऑडिटरी कौन सा है जो ईयर्स को अफेक्ट करेगा, ऑल्फैक्टरी कौन सा है नोज को अफेक्ट करेगा, विजुअल कौन सा है आइज को अफेक्ट करेगा, और जैसा कि इस क्वेश्चन ने पूछा है गस्टेटरी कौन सा है, वो हमारे टेस्ट बड्स को अफेक्ट करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ट बड्स। WCL और RPSC नर्सिंग ट्यूटर में आया हुआ है 2 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज मीन्ड बाय थॉट ब्रॉडकास्टिंग? थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? मैंने आपको बताया था इसका, मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। डिल्यूजन दैट वंस थॉट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स। ऑप्शन बी, एक्सपीरियंस ऑफ थॉट्स बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम वंस माइंड। ऑप्शन सी, अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, या फिर ऑप्शन डी, डिल्यूजन दैट वंस थॉट कैन बी हर्ड बाय अदर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको दोस्तों, वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके क्वेश्चन को दोबारा सुनना। मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिल्यूजन दैट वंस थॉट कैन बी हर्ड बाय अदर्स। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या था? कि भाई उसके विचारों को फैलाया जा रहा है, जो टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, जो उसमें बातें सुनाई दे रही हैं, वो उसके थॉट हैं, उसके थॉट को ब्रॉडकास्ट करा जा रहा है। और जो ऑप्शन डी है वो क्या कह रहा है? डिल्यूजन दैट वंस थॉट कैन बी हर्ड बाय अदर्स। मेरे थॉट हैं और कोई और बोल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो वो बोल रहा है वो मेरे थॉट हैं, तो ये किस चीज़ का हो जाएगा? कि ब्रॉडकास्टिंग, फैला दिए गए हैं उसके थॉट्स को। DSSB 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन? ऑप्शन है इनफिडेलिटी, पैसिविटी, पैरानॉइड डिल्यूजन और ग्रैंडियोज। इसमें आप इनफिडेलिटी नहीं लगाओगे, क्योंकि इनफिडेलिटी मैंने बताया था अफेयर को लेके जो डिल्यूजन होते हैं वो होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पैरानॉइड डिल्यूजन, शक करने वाला जो डिल्यूजन है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है, वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ मैं एक बार। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन? परसिक्यूशन यानी कि जिसमें शक होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारने वाला है, उसका और हम क्या कह सकते हैं? पैरानॉइड डिल्यूजन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ पेशेंट हु रिफ्यूजेज टू ईट स्टेटिंग दैट हिज फूड इज पॉइजन्ड इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। उसे लग रहा है कि उसके खाने में जहर मिला दिया, यानी कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे मारना चाह रहा है, तो इसका ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, सुसाइडल आइडिएशन, डिल्यूजन, नेगेटिविज्म या हेलुसिनेशन। तो ये आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि क्या होगा। हेलुसिनेशन एलिमिनेट करना आना चाहिए दोस्तों, हेलुसिनेशन तो नहीं है ये, उसे लग रहा है उसके खाने में कुछ मिला दिया गया, यानी कि ये क्या हो रहा है? उसको परसिक्यूशन हो रहा है, परसिक्यूशन यानी कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जो कि डिल्यूजन ऑप्शन में दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन में। 3 बार आया हुआ है दोस्तों, एम्स पटना में, एम्स पटना 2020 में, एम्स पटना 2015 में और RA के MSc नर्सिंग एंट्रेंस में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। व्हेन अ पेशेंट हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट समवन इज गोइंग टू हार्म हिम ही इज एग्जिबिटिंग। ऑप्शंस पढ़ता हूँ, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर या फिर डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंसेस। ये भी इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि भाई कोई इसको मारना चाह रहा है, ये क्या है? सिंपल सा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। एम्स पटना 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज मोर कॉमन इन। ऑप्शन ए, सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या फिर ऑप्शन डी, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। परसिक्यूशन डिल्यूजन बोल रहा है ये, तो इसका सिंपल सा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जिसमें शक करता है पेशेंट। परसिक्यूशन का मतलब होता है कोई उसे हार्म पहुंचाना चाह रहा है। ये आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों RPSC नर्सिंग ट्यूटर में। अगले क्वेश्चन की बात करूं अगर दोस्तों, ग्रैंडियोज डिल्यूजन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर?
जो ग्रैंडियोज डिल्यूजन है वो कौन सी बीमारी में आता है, मैंने लिखवाया हुआ था, साइड में लिखा हुआ था कौन सा डिल्यूजन कौन सी बीमारी में आ रहा है। तो ग्रैंडियोसिटी हमें किस में देखने को मिलती है दोस्तों, मैनिक वाले पेशेंट में, मेनिया में। ऑप्शन में है या नहीं देखते हैं, ऑप्शन ए है मैनिक डिसऑर्डर, बी है ओसीडी, फोबिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैनिक डिसऑर्डर। RUHS में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द क्लाइंट टेंड्स टू वेंडर अवे फ्रॉम द इंटेंडेड पॉइंट एंड नेवर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल आइडिया इज कॉल्ड। ये मैंने क्वेश्चन दोस्तों समझाया हुआ है, बस आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। क्वेश्चन बस ये बोलना चाह रहा है फ्रेंड्स कि अ फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द क्लाइंट टेंड्स टू वेंडर अवे फ्रॉम द इंटेंडेड पॉइंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ये स्पीच की डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन है जो कुछ बात बताना चाह रहा है लेकिन जो वो बात बोलना चाह रहा है उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा, इसको हम क्या बोलेंगे, नेवर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहा, वो इधर उधर की बातें कर रहा है। वर्बिजरेशन, थॉट इंसर्शन, टेंजेंशियलिटी या फिर थॉट ब्लॉक, एम्स रायपुर 2017 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेंजेंशियलिटी। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज ना थोड़ी टिपिकल दे देता है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, वो कैसे आप उसमें कैसे अपनी पकड़ बना सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, व्हेन अ क्लाइंट मेक्स अप स्टोरीज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस ऑफ मेमोरी इट इज नोन एज। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये RIMS में आया हुआ है, SFI में हुआ है, RPSC राजस्थान स्टाफ नर्स में आया हुआ है। इसके ऑप्शन में बताता हूं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं, व्हेन अ क्लाइंट मेक्स अप स्टोरीज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ मेमोरी इट इज नोन एज। उसको कोई उसकी कोई मेमोरी है जिसके में बीच का पार्ट वो भूल चुका है, उसको खुद से फिल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइंग, डिनाइंग, रेशनलाइजिंग या फिर कॉन्फेबुलेटिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्फेबुलेटिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप द मेमोरी गैप इज नोन एज। सेम क्वेश्चन है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फेबुलेशन। मैंने दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है जो आपको रिपीट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है कि नॉर्सेट अगर कोई डीप भी कुछ पूछ सके वो भी हम आंसर कर सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट हिज बॉडी इज मेड ऑफ वुड एंड इट एंड इज क्वाइट हैवी, द नर्स इंटरप्रेट दिस एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं कंपल्शन, हेलुसिनेशन, डीपर्सनलाइजेशन, ऑब्सेशन। अब दोस्तों एक नया क्वेश्चन मिला है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डीपर्सनलाइजेशन, अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ सेल्फ। डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है, अपने ही शरीर के लिए कुछ गलत धारणा बन जाए उसको कहते हैं हम डीपर्सनलाइजेशन। इसमें ये बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो पेशेंट है उसे ऐसा लग रहा है उसका एक पैर लकड़ी का बन चुका है, तो उसे अपने ही जो सेल अपना ऑर्गन है वो कुछ और परसीव होने लगा, तो इसका क्या करेक्ट आंसर है डीपर्सनलाइजेशन। इसको आप नोट करके लिख लेना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ फॉल्स बिलीफ इन विच द पेशेंट थिंक्स दैट ही इज बींग टॉक्ड अबाउट बाय अदर पीपल इज नोन एज। पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का डिल्यूजन है। इसके ऑप्शन है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। इसका करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। एक एक चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्वेश्चन RIMS और SFI में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ऑप्शंस हैं, यानी कि इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्टली दर्शाएगा कि ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है। ऑप्शन है माय फूड इज बीइंग पॉइजन, ये किस चीज का है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ऑप्शन सेकंड, द टीवी रिपोर्टर इज टॉकिंग अबाउट मी, हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है, ये इसका करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्टील माई इन्वेंशंस, ये भी किस तरीके का है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टीवी रिपोर्टर इज टॉकिंग अबाउट मी, जो कि इंडिकेट कर रहा है क्या, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। एम्स पटना 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंपिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर आइडिया इज, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, परसिवरेशन, म्यूटिज्म, फ्लाइट ऑफ आइडियाज या फिर आइडियाज ऑफ परसिक्यूशन। PGI रोहतक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट अच्छा है, लेकिन अब हमें सिंपल लग रहा होगा क्योंकि हमने पढ़ लिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे कंटिन्यू रिपीटेडली बहुत जल्दी जल्दी जंप कर रहा है पर्सन, उसी को कहते हैं हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्लाइट ऑफ आइडियाज इज सीन इन, कहां देखने को मिलता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मेनिया, डिप्रेशन, मेंटल रिटार्डेशन, कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंपल्सिव डिसऑर्डर में बस थॉट आते हैं, मेंटल रिटार्डेशन में तो वैसे ही स्लो हो जाता है जो व्यक्ति है उसकी मानसिक स्थिति वैसे ही कमजोर हो जाती है। ऑप्शन सी को देखें अगर, डिप्रेशन,
डिप्रेशन में भी, डिप्रेशन में तो ना वो मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कर पाता, ना ज़्यादा सोशली एक्टिव हो पाता, अकेला पड़ा रहता है पेशेंट, उदास रहता है, किसी से बात नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेनिया में हाइपर एक्टिव रहता है पेशेंट, उसी में हमें देखने को मिलता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट्स अ पेशेंट एग्जिबिटिंग फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ऑप्शंस हैं कॉइन न्यू वर्ड, मेक अब्रप्ट स्टॉप इन फ्लो ऑफ कन्वर्जेशन, प्रोवाइड एक्सेसिव डिटेल्स, या फिर फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। फ्लाइट ऑफ आइडियाज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा था, आप इसमें सेकंड ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, उसमें ये बोल रहा है कि बोलते बोलते अचानक से रुक गया, वो थोड़ी होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। इस ये देखना दोस्तों इग्नू में आया हुआ है, DSSB में आया हुआ है, नवोदय स्टाफ नर्स में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हमें इजी लग रहा है क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड इज नोन एज, नए वर्ड को बनाना क्या कहलाता है। ऑप्शन है मैनरिज्म, हेलुसिनेशन, नियोलिज्म, या फिर डेल्यूजन। इसका भी आपको ऑप्शन करेक्ट जो आंसर है वो आपने सोच लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नियोलॉजिज्म। PGI रोहतक 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है क्वेश्चन देखें दोस्तों, अ सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट सेज टू अ नर्स, यू आर वेयरिंग अ प्रेटी रेड ड्रेस, टोमेटोज आर रेड, वेजिटेबल्स मेक यू हेल्दी, आई एम नॉट हेल्दी। अ नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट दीज स्टेटमेंट आर एन एग्जाम्पल ऑफ इकोलेलिया, कॉन्फेबुलेशन, नियोलॉजिज्म, या फिर लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। हमें नया वर्ड मिला लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अगर हमने पढ़े हुए हैं तो हमने तीनों पढ़े हुए हैं, इकोलेलिया भी पढ़ा हुआ है, कॉन्फेबुलेशन भी पढ़ा हुआ है, नियोलॉजिज्म भी पढ़ा हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग हैं, इससे बिल्कुल अलग हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, वो कभी कुछ बात कर रहा है कभी कुछ बात कर रहा है पेशेंट, उसके एसोसिएशन में लूजनेस है, यानी कि अच्छे तरीके से वो सिंक्रोनाइज नहीं है उसका कन्वर्जेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूजनेस ऑफ एसोसिएशन। RAKMSC नर्सिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम दोस्तों, पैरट लाइक और पैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज। कोई कुछ बोल रहा है, मैं उसी वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा हूं, तोते की तरह रट रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे हम। ऑप्शन है इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, नियोलॉजिज्म, या फिर डिसकैल्कुलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इकोलेलिया। मैंने पढ़ाया हुआ है इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया क्या है कि किसी के वर्ड्स की मैं अगर नकल उतार रहा हूं वो इकोलेलिया है, किसी के एक्शंस की मैं नकल उतार रहा हूं वो क्या है इकोप्रेक्सिया। ये भी एम्स जोधपुर, RUHS पोस्ट बेसिक नर्सिंग में, एम्स पटना, तीन जगह ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कभी भी आ सकता है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ में इंपॉर्टेंट कराइए, आपको सबके आप आंसर इजीली लगा पा रहे हो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ पर्सन विद सिज़ोफ्रेनिया वाज फाउंड टू रिपीट व्हाटएवर वर्ड्स द साइकेट्रिक नर्स वाज स्पीकिंग। सेम क्वेश्चन है, इसका भी करेक्ट आंसर चला जाएगा इकोलेलिया। अगला क्वेश्चन है परसीवरेशन क्या होता है। पहला ऑप्शन है परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ वर्ड, परसिस्टेंट इरेशनल फियर, परसिस्टेंट डिल्यूजन, परसिस्टेंट कंपल्सन। करेक्ट आंसर इसका बहुत सिंपल है, परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ वर्ड, जो कि क्या होता है परसिवरेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परसिस्टेंटली रिपीटिंग द सेम वर्ड और आइडिया इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंट क्वेश्चन इज टर्म्ड। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोई मेरे से कुछ पूछ रहा है, मेरे से अलग अलग क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन मैं आंसर सबका सेम दे रहा हूँ, सबके एक ही आंसर दे रहा हूँ, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं परसिवरेशन, टेंजेंशियलिटी, म्यूटिज्म, या फिर वर्ड सैलेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों परसिवरेशन। परसिवरेशन का मतलब क्या था, कोई कुछ भी पूछ लेगा, मैं आंसर सबके क्या दूंगा, सेम आंसर दूंगा। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ पेशेंट हु कीप्स रिपीटिंग अ वर्ड ओवर एंड ओवर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। किसी वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है वो क्या होगा, नियोलॉजिज्म, सर्कमस्टेंशियलिटी, स्टीरियोटाइप, या फिर सेनिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया था वीडियो में कि हम स्टीरियोटाइप क्या बोलते हैं, रिपीटेशन को हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, या फिर कोई जैसे कि किसी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, एक ही पोजीशन में होल्ड कर रहा है, फिक्स कर ले रहा है पोजीशन को, उसको भी हम स्टीरियोटाइप बोल रहे हैं। कोई वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है वो भी स्टीरियोटाइप, यानी कि स्टीरियोटाइप का हिंदी में मतलब है रिपीटेशन। अब बात करते हैं इसके आंसर की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीरियोटाइप। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय इमिटेटिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। अब यहाँ पे बिहेवियर की बात कर रहा है दोस्तों, ना कि वो स्पीच की बात कर रहा है कि किसी के बिहेवियर को मैं इमिटेट कर रहा हूँ, नकल उतार रहा हूँ। उसका ऑप्शन क्या है, इकोलेलिया, एनकोप्रेसिस, एन्यूरेसिस, या इकोप्रेक्सिया। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका इकोप्रेक्सिया।
ये क्वेश्चन आया इग्नू में, आरयूएसएस में। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे दोस्तों, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन टाइम की कमी है आपके पास भी और मेरे पास भी। मुझे फर्दर वीडियोस बनानी होती हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो फ्रेंड्स, आप मेरी जो वीडियोज़ है इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो मुझे क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट, और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।